हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनु के अंतर्गत मनु के अनुसार जो युद्ध है या युद्ध का जो औचित्य है या युद्ध के प्रति मनु का जो दृष्टिकोण है उसका अध्ययन करेंगे। मनु का जो युद्ध के प्रति दृष्टिकोण है वो हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि मनु ने युद्ध के जो औचित्य है उसको स्वीकार किया है, परंतु मनु ने राज्य के हित के संवर्धन में युद्ध को अनिवार्य व एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मनु ने राज्य की परिस्थितियों शासक को यह परामर्श दिया है कि राज्य की अगर मान लो शासक की परिस्थितियां हैं वो राष्ट्र के जो परिस्थितियां वो अनुकूल होने पे की दशा में दूसरे जो देश है उस पर आक्रमण करने का परामर्श दिया है। तो मनु ने कहा है कि जब राष्ट्र की जो परिस्थितियाँ अनुकूल हों तभी जो शासक है या जो राजा है उसको युद्ध करना चाहिए या दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करना चाहिए। मनु जो राज्य की हितों की पूर्ति के लिए जो अपनाए जाने वाले जो साधन है उनकी तुलनात्मक वरीयता में युद्ध को अंतिम स्थान देते हैं, यानी युद्ध को जो मनु है वो अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। जो साम दाम भेद दंड और यह इन चारों जो नीतियाँ हैं इनमें से युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में वो मनु के द्वारा स्वीकार किया गया है। मनु ने कहा कि यदि राजा अपनी सेना को शक्तिशाली और जो शत्रु की राष्ट्र की जो सेना है उसको अगर दुर्बल समझे तभी उसको युद्ध करना चाहिए। इस तरह जो मनु है वो युद्ध को एक अंतिम विकल्प के रूप में या एक आत्मरक्षा के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु मनु आवश्यकता हो तभी राजा को युद्ध परामर्श करने का परामर्श देता है कि जब भी आवश्यकता हो तब राजा को युद्ध का सहारा लेना चाहिए। उस समय राजा को युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए जब युद्ध के कारण जनता को हानि उठानी पड़े या कष्ट उठाना पड़े, उस समय राजा को युद्ध का सहारा या युद्ध नहीं करना चाहिए। मनु के अनुसार युद्ध के प्रकार, मनु ने युद्धों के दो प्रकार बताए हैं। उनके अनुसार युद्ध दो प्रकार के होते हैं। पहला है धर्मयुद्ध। उन्होंने कहा है कि जब शत्रु के द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर युद्ध के समस्त नैतिक नियम, जैसे सोई व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाए, शरणागत जो सैनिक है उस पर प्रहार नहीं किए, अगर इन समस्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए जो युद्ध किया जाता है उसको मनु के अनुसार इस युद्ध को धर्म का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो युद्ध से संबंधित जो समस्त नैतिक नियम है इन सभी नियमों का जो पालन है वो किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है युद्ध का वो है कूट युद्ध। मनु ने कहा है कि जिन युद्धों में नैतिक नियमों की अवहेलना की जाती है, युद्ध के जो नैतिक नियम है अगर उनकी अवहेलना की जाती है तो हम उन युद्धों को कूट युद्ध कहते हैं। जैसे शत्रुओं के नहर है, कूप है, कुएं हैं, इनको नष्ट कर देना, शत्रु को परेशान करने के लिए चारों ओर डेरा डाल देना, उसके अन्न घास जो भी खाने की जो सामग्री है उन सभी को नष्ट कर देना, शत्रु पक्ष के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लेना, तो जब ऐसे इस तरह जो युद्ध किए जाते हैं हम उनको कूट युद्ध कहेंगे। अब है युद्ध के नियम। मनु ने युद्ध के नैतिक नियम पर अत्यधिक बल दिया है। वो युद्ध के समय नैतिक नियमों का पालन करना उचित समझते थे। मनु ने युद्ध के समय निम्न नैतिक नियम बताए हैं कि इन नियमों का पालन है वो युद्ध के समय दोनों राष्ट्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। पहला है युद्ध में कूट शस्त्रों, अग्नि से प्रज्वलित अगर बाग वाले शस्त्रों और विष से बुझाए गए शस्त्रों का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा है शरणागत शत्रु पर शस्त्र प्रहार है वो नहीं करना चाहिए। तीसरा है किसी भी सोए हुए व्यक्ति पर शस्त्र रहित अगर व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में भाग नहीं ले रहा है तो उन व्यक्तियों पर भी सेना के द्वारा प्रहार नहीं करना चाहिए। अगला है मनु कहता है कि राजा के द्वारा युद्ध में जो सैनिकों के द्वारा जो धन जीता जाता है उस धन को प्रत्येक योद्धा को जो जिन्होंने उस धन को लूटा है उनको पुरुषार्थ के अनुसार उसका भाग है वो प्रदान कर देना चाहिए। यानी मनु ने कहा कि जो जीता हुआ धन है वो उन सैनिकों में ही उनके पुरुषार्थ के अनुसार बांट देना चाहिए। तो इन जो नैतिक नियम है इन नैतिक नियमों का पालन है वो युद्ध के समय किया जाना चाहिए। अब विजित राष्ट्र व उसके धन के प्रति विजेता राष्ट्र का व्यवहार, यानी
जब कोई देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण के बाद विजयी हो जाता है तो उस विजित राष्ट्र के प्रति, उस जो विजेता राष्ट्र है उसका क्या व्यवहार हो, उसके धन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। मनु कहता है कि जो कम मूल्य के दरोहे होते हैं वो युद्ध में जो जीत कर लाए हैं सैनिक, उन्हीं सैनिकों को दे देना चाहिए। यानी जिनका मूल्य कम होता है ऐसी जो सामग्री है वो युद्ध में जीत कर लाए हुए सैनिकों ही को ही बांट देना चाहिए। किंतु जो बहुमूल्य रत्न है, सोना चांदी भूमि है, इन जो युद्ध में जीती गई वस्तुएं, इनको राज्य के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। इनका भी यथा समय सैनिकों में पुरुषार्थ के आधार पर इनको बांट देना चाहिए। मनु ने कहा है कि अगर विजित राष्ट्र पर अपना शासन स्थायी बनाना है तो राजा को चाहिए कि वो यहाँ के व्यक्तियों के प्रति उदार और सहिष्णुता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। यानी विजेते राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं उनके प्रति उदार व सहिष्णु व्यवहार करे। उन्होंने कहा है कि विजित राज्य के जो प्रशासन हेतु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की, उस राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी इच्छा जानकर, उनकी जो इच्छा जानकर वो पूर्व के शासक के जो वंश का कोई व्यक्ति है उसी व्यक्ति को राजा के पद पे वहाँ पे नियुक्त करना चाहिए। मनु कहता है कि जो विजित राष्ट्र के निवासियों के जो धार्मिक कार्य है उसमें राजा को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मनु ने कहा है कि युद्ध में विजय लाभ के पश्चात कुछ वस्तुओं में जो ब्राह्मण और देवताओं को भी दान के रूप में देना चाहिए। तो इस तरह युद्ध के संदर्भ में मनु ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं, और उन्होंने युद्ध का जो न्यूनतम युद्ध का समर्थन किया है कि युद्ध है वो अनिवार्य या आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद।